Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.4. 21st August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.4. Date 21st August 2020, Class 10, Subject Maths, Topic Introduction to Trigonometry, Chapter 8, Exercise 8.4. अब 8.4 के हमने क्वेश्चन आपके करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 के सिक्स पार्ट तक करवाए थे, अब हम करेंगे 7 पार्ट, 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 के 7th पार्ट। सेवेंथ पार्ट है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थी, वाई में है टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिस साइड को लेकर हम आसानी से सोल्व कर लेंगे उसी को लेते हैं, साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा वाई में cos थीटा माइनस cos थीटा, ऊपर वाले में sin थीटा कॉमन है, नीचे वाले में cos थीटा कॉमन है, sin थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में cos थीटा
वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, हमारा रह जाएगा यहाँ पे टेंजेंट थीटा, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इसी का एक्स पार्ट है, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए पर सेकेंड ए होल स्क्वायर, सेवन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक ए को वन बाई साइन कर लेंगे, या इसकी होल स्क्वायर खोल लेंगे, आपकी मर्जी है, प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस टू इंटू में स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1
वैली इसे ये कट गया, 2 प्लस ये हो जाएगा आपके लिए 5 प्लस cos स्क्वायर cot में हमने इसे लिखेंगे cos स्क्वायर को cot के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है वन प्लस है कॉट स्क्वायर थीटा और सेकेंड को लिखेंगे वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर सेकेंड देखो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर प्लस आप देखो ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। ये प्रूव्ड हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट cos a माइनस sin a साइन ए इंटू से के माइनस कॉस ए सेकंड ए माइनस कॉस ए इंटू सेकंड ए माइनस कॉस ए इक्वल टू वन बाई टेंजेंट ए प्लस कॉट ए इक्वल टू वन बाई टेंजेंट ए प्लस कॉट ये है क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड कोसे के माइनस साइन ए इनटू सेकेंड ए माइनस कॉस ए इसे सॉल्व करना है पहले और राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है सबसे पहले
cos ak को 1 by sin ak। वन बाई साइन ए माइनस साइन ए इसको सीकेंड को वन बाई कॉस ए माइनस कॉस ए इसके बाई में वन कर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर बाय में साइन ए इनटू में इसका होता है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर बाय में कोस ए। कोस ए कट जाएगा साइंस साइंस स्क्वायर में ये यहाँ क्या जाएगा तो बोल रहे कॉसे साइन एस इसके नीचे वन है वन की जगह पे हम लिख देंगे कॉस ए साइन ए इसके बाई में लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आप ये जैसे कुछ शो कर सकते हो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। अब है डिवाइडिंग न्यूमरेटर ऐसे हो जाएगा साइन ए कॉस ए बाई में साइन ए कॉस ए बाई में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए इक्वल टू में ये दोनों कट जाएंगे ऊपर वाले ऊपर रह जाएगा वन नीचे क्या होगा ये साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉस ए ऊपर वाला वन कॉमन ऐसे रखेंगे
बार में एक साइन कट गया, ऊपर रह जाएगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कट गया कॉस ए बाई साइन ए, ये हो जाएगा वन बाई, ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस कॉट बी, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड रूल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का ये है, नाइन्थ पार्ट है, ये नाइन्थ पार्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। अब इसका लास्ट पार्ट टेन नंबर देखो आप, ये ध्यान रखना कहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज कर। इसका टेंथ पार्ट आप देखोगे, आखिरी पार्ट है, टेंथ पार्ट है वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन माइनस टेन है वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, टेंजेंट ए है टेन स्क्वायर, हम इसे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वन
by cos square a, 1 by sin square a, 1 by cos square a multiply sin square a by 1, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये होता है हमारा टेंजेंट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए टेन ए बाई ने कॉट ए इनका होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर बाई में 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू टेंजेंट ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू इंटू कॉट ए, इसको यहाँ पे करते हैं, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू होता है वन कॉट को टेन में कर देंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कॉट को टेन में कर देंगे ना तो थोड़ा सा ये जल्दी हो टेंजेंट ए माइनस वन बाई टेंजेंट ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर बाई में माइनस कॉमन ले लो आप, वन माइनस बाई में माइनस का होल स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है माइनस में से माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन माइनस टेंजेंट ए होल स्क्वायर बाई में
tangent square A by main 1 minus tangent A whole square. ये कट जाएगा, हमारा रह जाएगा tangent square A. आप यहाँ पे tangent square A, आप यहाँ पे आपका tangent square A. तो इस तरह आप लिखेंगे right hand side equal to left hand side. लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस तरह चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया. 8.4 के 1 से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन करना है. सारे एक क्वेश्चन आपने छोड़ दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं.